सियाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी की पेशगोई से पहले और नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से और गुलमर्ग को मजीद जाज़िब नज़र बनाने और पॉलिथीन और प्लास्ट पर मुकम्मल पाबंदी के सिलसिले में सफाई मुहिम चलाई गई। ये सफाई मुहिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी वसीम राजा की सरबराही में चलाई गई। इनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग डॉक्टर जावेदुर रहमान और दीगर अफसरान भी थे। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, माहौलियात के माहिरीन और सियाहत से जुड़े लोगों ने काफी तादाद में हिस्सा लिया। सफाई क्लीननेस ड्राइव हमने आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की, जिसमें हमारे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं महकमा जात उसके अफसरान ने शिरकत की और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें शॉपकीपर्स हैं, जिसमें होटलियर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। इसका मकसद यही था कि जो गुलमर्ग है, जो हमारा मकसद है गुलमर्ग को साफ़ रखना, ग्रीन क्लीन गुलमर्ग का जो हमारा मकसद है, वो मकसद जो है, जो स्लोगन है, वो पूरा हो। और आपने देखा कि हम पूरे गुलमर्ग बाउल में हम लोग गए और हमने देखा कि जो यहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम साफ़ करें, और हम लोग जो यहाँ पे पॉलीथीन है, पॉलीथीन और प्लास्टिक जो है, जो ऑलरेडी बैंड है गुलमर्ग में, हम पूरी तरह से इस बैन को एनफोर्स कर रहे हैं। और जो है गुलमर्ग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, गुलमर्ग को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बल्कि जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी इस मुहिम में शामिल हों, और हम कोशिश कर रहे हैं कि गुलमर्ग को हम बिल्कुल साफ़ सुथरा